हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ये न्यू वीडियो। और भाई ये है मेट्रो 350 का बिल्कुल न्यू कलर, ग्रीन कलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी, जिसे रॉयल एनफील्ड ने जल्दी से ही लॉन्च किया है। तो चलिए जानते हैं कि इस बाइक में आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइजिंग की। तो इसका एक्सोरूम प्राइस दिल्ली में 219,900 रुपये है, ऑन रोड जाती है 250,000 के समथिंग। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप राधे गोविंदा शोरूम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर शो रहा है। बाकी चलिए चलते हैं इसमें फीचर्स, आपको क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं और क्या चीज़ इसमें स्पेसिफिकेशन आपको नया मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है ट्रांसपेरेंट बड़ी सी विंड स्क्रीन, आप देख रहे हो। बाकी एलईडी में आपको हेडलाइट ऑफर किए जा रहे हैं। जो इसके इंडिकेटर हैं आपको पहले जैसे हाइलोजन वाले ही मिलेंगे। और यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोर टाइप के सस्पेंशन, जिसकी ट्रेवल यार 130 mm की है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें आपको ट्रेवल देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है ग्रीन कलर का फ्रंट फेंडर जो आप देख रहे हो। और इसके टायर सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 100x90 सेक्शन का टायर और 19 इंच का यहाँ पे स्पोक अलाइबल्स मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो स्पोक अलाइबल्स होने के बावजूद इसमें आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट डिस्क आपको 300 mm की मिलती है और डुअल चैनल ABS आपको इस बाइक में ऑफर किया जा रहा है। बाकी साइड लुक से बात करेंगे तो यहाँ पर मिलता है आपको क्रैश गार्ड, जिसे आप लेग गार्ड बोल सकते हो। और इस साइड में आपको फ्यूल टैंक पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रॉयल एनफील्ड का 3D लोगो मिलेगा। और कलर कॉम्बिनेशन यार काफ़ी ज़्यादा इसका कूल लग रहा है। अगर टॉप से फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे E20 वाला अपडेट भी आपको मिलेगा। फुल टैंक की कैपेसिटी 15 लीटर की आपको ऑफर की जा रही है। तो यार कलर कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप इसकी कैप को ओपन कर सकते हो और यहाँ से फ्यूल आपका भरेगा। बाकी इस साइड में बात करेंगे तो आप फ्यूल टैंक पे ग्राफिक्स देखो यार, काफ़ी ज़्यादा प्यारा आपको मिलेगा, जिसमें आपको ऑरेंज टाइप के भी ग्राफिक्स मिलेंगे और येलो टाइप के भी ग्राफिक्स मिलेंगे। बाकी इसमें चेंजेस की बात करते हैं तो चेंजेस मैंने एक बता दिया कि आपको LED में हेडलाइट ऑफर की जा रही है। बाकी स्पोक अलाइबल्स होने के बावजूद यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर किए जा रहे हैं। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना हेडलाइट वाला, ये आपको क्रोम में ऑफर किया जा रहा है। ये भाई बिल्कुल नया यहाँ पे दिया गया है। बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह आपको दिखा दूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या चीज़ें ऑफर की जा रही हैं, तो भाई आप देख सकते हो पहले जैसा ही सेम है, जिसमें आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे ट्रिप मीटर वगैरह दिखाई देगा, कौन से गियर में आप चल रहे हो वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे इन्फो का एक बटन होता है, तो इन्फो का जो बटन आप दबाओगे तो यहाँ पे आप ऑडोमीटर की डिटेल चेक कर पाओगे, ट्रिप मीटर की डिटेल चेक कर पाओगे, ट्रिप ए, ट्रिप बी, बाकी यहाँ पे किलोमीटर की डिटेल आ जाएगी। और फ्यूल का इंडिकेशन यहाँ पे आपको शो करेगा, यहाँ पे आपको टाइमिंग शो करेगा। और 10x10 नेविगेशन वाला यहाँ पे आपको सिस्टम मिल जाता है, जो कि इनबिल्ड सिस्टम आपको मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंजन की किल स्विच ऑफर की जा रही है। बाकी यहाँ पे हैजर्ड का बटन, इसके बाद इस साइड में आपको यहाँ पे पास, हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पे इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा लाउड आपको हॉर्न मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको जो इसकी हैंडल बार है, सिंगल पाइप हैंडल बार ही आपको ऑफर की जा रही है, लेकिन यार चलाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आपको आने वाली है। बात करें इसके इंजन की तो इंजन के परफॉर्मेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही आपको 349 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिसकी मैक्स पावर निकल के आती है 20.4 PS की, 6100 RPM पे, और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है आपको 4000 RPM पे। तो यार ये चीज़ें आपको पहले वाली ही मिलती हैं, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। जे सीरीज वाला यहाँ पे इंजन है। बाकी इंजन आपको पूरा का पूरा क्रोम में दिखाई देगा, तो इंजन को क्रोम से कवर किया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो एग्जॉस्ट है यार, साइलेंसर है, वो भी क्रोम में आपको दिखाई देगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट चेंजेस इसमें यह है, इसमें आपको टूरिंग जो सीट मिलती है ये आपको स्प्लिट में मिलेगी। पहले वाली सीट से ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, और 765 mm की आपको सीट हाइट मिलती है, तो जिनकी हाइट लो है वो भी इस बाइक को बड़े इजीली तरीके से राइड कर पाएंगे। बाकी अगर पीछे वाले सस्पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, 6 स्टेप प्री लोडेड सस्पेंशन मिलते हैं, जिसे आप 6 स्टेप तक एडजस्ट कर पाओगे। बाकी पीछे वाले टायर सेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे 140 सेक्शन का वाइट टायर मिलता है, 140/70/17 का, और 17 इंच के पीछे में आपको स्पोक अलाइबल्स मिलेंगे जो कि ट्यूबलेस है। और पीछे में आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक ऑफर किया जा रहा है। इस बाइक में आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बैक रेस्ट, अब आपको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है,
अब आपको इस बाइक के साथ में ही ये बैकरेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं, और पीछे वाली जो टेल लाइट है आपको एलईडी में ऑफर की जा रही है, और इंडिकेटर आपको वही हाइलोजन वाले मिलते हैं। आप चाहो तो इंडिकेटर आप एलईडी में लगवा सकते हो थोड़े बहुत पैसे खर्च करके। अब चलिए चलते हैं इसके साइड लुक की तरफ। तो साइड लुक आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको साड़ी कार दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको मेट्रो 350 में लेडी फुटेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं। ओपन चेन सेट कवर आपको यहाँ पे मिलेगा, और इस बाइक में आपको साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों ऑफर किए जाते हैं। 5-speed गियरबॉक्स मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे इंजन कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, क्रोम के साथ आपको यहाँ पे इंजन ऑफर किया जा रहा है, जो यार देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। और इसकी जो चैचेस है, आपको चैचेस आप देखो काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी चैचेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपको सम्प गार्ड मिलेगा जो इसके साथ ही आपको मिल जाएगा। इस बाइक का टोटल वेट 191 kg का है, तो काफी ज्यादा लाइट वेट है। और इस बाइक में आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो इंडियन रोड के हिसाब से काफी ज्यादा कंफर्टेबल आपको मिलता है। प्राइसिंग वगैरह मैंने आपसे बता दी, शेयर कर दी। तो ये बाइक आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और ये बाइक यार देखने में यार काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, मेट्रो 350। और मेट्रो 350 का जो इंजन है, और हंडा 350 का जो इंजन है, और बुलेट 350 का जो इंजन है, सेम ही आपको ऑफर करता है रॉयल एनफील्ड। तो मोटा मोटा चेंजेस की बात बता दें कि आपको एक ही वर्ड में कि क्या क्या इस बाइक में चेंज है। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पोक अलाइबल्स होने के बाद यहाँ पे ट्यूबलेस टायर ऑफर किए जा रहे हैं। दूसरा चेंजेस, इसमें इसका हेडलाइट आपको यहाँ पे पार्ट जो है क्रोम में मिलता है। तीसरा चेंजेस, इसकी जो हेडलाइट है आपको एलईडी में ऑफर की जा रही है। और चौथा चेंजेस, यहाँ पे आपको मिलेगा जो इंजन है आपको क्रोम में ऑफर किया जा रहा है। पांचवा चेंजेस, यहाँ पे आपको मिलेगा जो इसकी सीट है स्प्लिट में मिलती है, लेकिन टूरिंग सीट मिलती है। और इसके बाद ये चीजें जो आप देख रहे हो ये भी आपको बाइक के साथ ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसमें चेंज कर दी गई है, और देखने में यार काफी ज्यादा कूल लग रही है ये बाइक। बाकी अगर फाइनेंस कराने की सोचोगे आप, तो बड़े इजली 40-50 हज़ार रुपए देके आप इसे फाइनेंस करा सकते हो। और डॉक्यूमेंट बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट में हो जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का ATM वगैरह लगेगा, जिससे आपकी EMI डिजिटल हो जाएगी। मजे की बात यह है यार कि रॉयल एनफील्ड आपको कोई भी ऑफर सीजन में प्रोवाइड नहीं करता, चाहे दिवाली हो, धनतेरस हो, या कुछ भी हो, कोई भी ऑफर नहीं आते हैं, क्योंकि ये इसकी गाड़ी और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक, और चैनल पे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।